हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आर इंग्लिश वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 10th, शेड्यूल टू बी डन ऑन 13th August 2020. नाउ एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर, फेथ इज लाइक वाईफाई. इट इज इनविजिबल बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड. बेटा हमने ये लेंचो जो चैप्टर लेटर टू गॉड चैप्टर है आपका फर्स्ट, उसी का ही एक फर्स्ट पार्ट पढ़ा था हमने, जिसमें हमने सेम इस बात पे देखा कि जो फेथ है, जो हमारा विश्वास है, वो वाईफाई की तरह है. जो अभी हमें बताया कि गॉड पे कैसे वो विश्वास करता है और उसका इतना विश्वास है कि वो भगवान को चिट्ठी लिख देता है. तो अब देखिए उसके बारे में आपकी आधी जो समरी थी आप पहले पढ़ चुके हैं, अब आपका आधी समरी जो है उसे वो आपको दी गई है इन सिंपल वर्ड्स. और उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस जिनके हमको आंसर करने हैं. द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप एंड लेफ्ट नथिंग. जो हेलस्टॉर्म आया था, जो तूफान आया, जो ओले पड़े, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया और कुछ नहीं छोड़ा. हमें लास्ट उसमें पढ़ा था कि अगर शायद स्वार्म ऑफ लोकस्ट, अगर वो सारे टिड्डी दल भी आ जाता तब भी शायद कुछ हमारे लिए छोड़ देता, लेकिन इसने तो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, लेफ्ट नथिंग. That's what they say, no one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of man. बेटा यहाँ स्पेशली देखिए, Lencho was an ox of man. ये sentence दे के भी आपसे question पूछा जा सकता है, explain it. तो यहाँ पर ऑक्स से सिम्बलाइज किया गया उसके हार्डवर्क को. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. जैसे कहते हैं कोलू का बैल, तो वो उस तरह से उसको सिम्बलाइज किया गया है कि वो लगातार अपनी मेहनत करता तो फिर भी उसे एक लेटर, उसे आता था, लिखना पढ़ना भी आता था और उसने लेटर लिखा. ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड टू सीक हिज हेल्प. उसने ये डिसाइड निश्चय किया कि वो भगवान को अब लेटर लिखेगा और उनसे मदद मांगेगा. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस. ही प्लेस्ड इट स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. बेटा जैसा वो वैली में रहता था तो उसे लेटर लिखने के लिए पोस्ट ऑफिस के लिए टाउन में जाना पड़ा. शहर जाकर उसने लेटर लिखा, उसको एनवलप में डाला और उसके बाद एक स्टैम्प लगाई और मेल बॉक्स में, जैसे आप लेटर बॉक्स में डालते हैं, ऐसे लेटर बॉक्स में स्टैम्प डालकर लगाकर डाल दिया. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड. बेटा जो पोस्ट मास्टर था वहाँ पे, जब उसने उस पे पढ़ा कि ये क्या, ये तो गॉड को लिख कर गया है लेटर, और वो कैसे थे, उनकी अपीयरेंस बताइए कि वो फैट थे, हेल्दी थे, मोटे थे, और एमिएबल फेलो मतलब फ्रेंडली थे, प्लेजर लविंग थे, वो एकदम हंस पड़े. लेकिन उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, वो सीरियस हुए, उन्होंने उस लेटर को देखा और क्या कहा, क्या कमेंट दिया. व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. वो कहते क्या विश्वास है, काश मैं भी इतना विश्वास कर सकता जितना इस व्यक्ति को भगवान पे विश्वास है. Starting up a correspondence with God, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. बेटा जब उन्होंने ये देखा कि इतना विश्वास और उससे इम्प्रेस हो गए, तो उन्होंने सोचा मुझे ये correspondence मुझे करनी चाहिए उसके लिए, ताकि जो राइटर का विश्वास है वो ना डगमगाए, वो ना टूटे. और उन्होंने लेकिन जब ये लेटर खोला, बट व्हेन ही ओपन्ड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. यहाँ पर सिर्फ ये नहीं था कि एक अच्छा करने की इच्छा थी आपकी, आपको इंक चाहिए, पेपर चाहिए लेटर लिखने के लिए, नहीं, यहाँ कुछ और भी डिमांडेड था. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. ही हिमसेल्फ गेव part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उन्होंने जो निश्चय किया था, resolution था, जो उन्होंने निश्चय किया था, दृढ़ निश्चय था उनका कि वो उस व्यक्ति का जो faith है उसको नहीं तो टूटने देंगे, उसको डगमगाने नहीं देंगे. उन्होंने सोचा कि मैं इसकी मदद करूँगा. उन्होंने अपने साथियों से भी request करी, खुद भी अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया, और इस तरह से बहुत से लोगों ने भी, उनके फ्रेंड्स ने भी इसमें
जो किसी की हेल्प करने का एक कार्य था, एक चैरिटी का काम था, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, क्योंकि वो जो लेंचो ने मांगा था 100 पैसोस मांगे थे, लेकिन वो इतना सारा जो अमाउंट था वो इकट्ठा नहीं कर सकते थे. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. तो वो उस फार्मर को लिटिल मोर देन हाफ ही प्रोवाइड कर सके. ही पुट द मनी इन एन एनवलप एंड एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड. उन्होंने एक एनवलप में वो अमाउंट डाला और उसके बाद उस अमाउंट के साथ एक लेटर डाला जिसमें और कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ एक सिग्नेचर था और वो था गॉड. गॉड का सिग्नेचर किया हुआ था. सो दैट लेंचो यही समझे कि गॉड ने उसकी हेल्प की है. वो कुछ भी ऐसा दिखाना नहीं चाहते थे कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है. तो देखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ अबव पैसेज वी हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? यस, लेंचो का फेथ किस में था? तो यहाँ लेंचो हैव का डिड था बेटा, तो हैव का हैड हो जाएगा. लेंचो हैड फेथ इन गॉड. यहाँ पे आप हैव का हैड कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे लेंचो हैड फेथ इन गॉड. यस. नाउ होम डिड लेंचो राइट अ लेटर? सेम. अब उसका फेथ था कि वो हैड फेथ इन गॉड एंड उसने क्या सोचा था? दैट गॉड वुड हेल्प हिम. तो यहाँ पे देखिए कि उसने डिसाइड किया कि वो राइट लेटर लिखेगा और उसका जो फेथ है कि भगवान उसकी हेल्प करेंगे. तो यहाँ फर्स्ट का आंसर आ जाएगा लेंचो हैड फेथ इन गॉड that God would help him or God will help him. यहाँ did है तो बेटा आप would ही use करेंगे. God would help him. I hope आपने ये आंसर लिख लिया. उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है. Whom did, सेकेंड क्वेश्चन है whom did Lencho write a letter? तो यहाँ पे did है तो आपको पता है did के लिए आप write को क्या कर देंगे, wrote. Lencho wrote a letter to, yes, आपको सिर्फ लिखना है to के आगे God. आपको यहाँ पे लेंचो रोट, आप राइट का कर देंगे रोट अ लेटर टू क्या आएगा गॉड. टू के बाद यहाँ आप देखिए गॉड. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज पोस्ट मास्टर? तो आप देखिए बेटा यहाँ पर आपको दिया गया है पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल फेलो और उसके साथ आप लिख सकते हैं ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल. ही वॉज काइंड एंड हेल्पफुल. आप ये लिखिए उसके बाद काइंड लिख दीजिए एंड हेल्पफुल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज How did the postmaster help Lencho? तो postmaster ने help कैसे किया था Lencho को? Postmaster ने सबसे money इकट्ठा किया. तो together 100 pesos तो वो कर नहीं सकता था. उसने he asked for money to his employees and himself gave 100 pesos and several friends were obliged to give the something for the act of charity. He put the money into the envelope and addressed to Lencho. ये आप इस आंसर में लिखेंगे.
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेटाफर यूज इन द पैसेज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स. तो मैंने अभी आपको बताया था बेटा ऑक्स यहाँ पे सिंबलाइज करने के लिए किया है कि लेंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड. फिफ्थ क्वेश्चन फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स. अब यहाँ पे सिनोनिम्स हैं सिमिलर मीनिंग वाले आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है. तो देखिए मॉरल सेंस मॉरल वैल्यूज मॉरल सेंस तो यहाँ आपका कंसाइंस होप तो बेटा आशा करना होता है और मॉरल सेंस होता है जो हमारी अंतरात्मा इंटरनल हमारी नैतिक जो गुण है हमारा एक सेंस है कि ये चीज़ गलत है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. तो हमारे जो अंतरात्मा जिसका वर्ड हम बोलते हैं वो कंसाइंस. ठीक है अब है आपका डिटर्मिनेशन. तो डिटर्मिनेशन होता है डिटरमाइन होना निश्चय आपने कर लिया किसी चीज़ को दृढ़ निश्चय कर लिया. तो फेथ तो हमारा विश्वास होता है किसी पे तो फेथ तो नहीं है दृढ़ निश्चय आपका रिजोल्यूशन. फिर अभी हमने वर्ड देखा था फ्रेंडली एंड प्लेजेंट के लिए जो पोस्ट मास्टर के लिए यूज़ हुआ एमिएबल कि वो फ्रेंडली हैं प्लेजेंट हैं खुशमिजाज हैं. करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज तो करेंसी है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की पैसोज. सेकेंड पार्ट इज नाउ नोटिस हाउ द वर्ड होप इज़ यूज इन दीज सेंटेंसेज फ्रॉम द स्टोरी. फर्स्ट आपको सेंटेंस दिया गया आई होप इट द हेल स्टॉर्म पासिस क्विकली. पहला है कि हाँ मैं आशा करता हूँ कि ये जो जल्दी से तूफान है जल्दी से निकल जाए. अब देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड. तो यहाँ पर देखिए बेटा इन द फर्स्ट एग्जाम्पल होप इज वर्ब विच मीन्स यू विश फॉर समथिंग टू हैपन. देखिए जो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है तो हमेशा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब होता है और तब आपका उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है. तो जब भी सब्जेक्ट के फॉर्म में या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लगेगा जो वर्ड वो नाउन होता है और जब आप वर्ब के प्लेस पे उसको देखेंगे कि यहाँ मेन वर्ब के प्लेस पे वो आ रहा है तो वो वर्ब होता है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस है बेटा वो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ फर्स्ट सेंटेंस आई होप होप यहाँ पर मेन वर्ब के प्लेस पर है तो वर्ब का वर्क कर रहा है इसलिए फर्स्ट सेंटेंस में ये वर्ब है. और सेकंड सेंटेंस में यहाँ पर हम कुछ होने के लिए विश आशा कर रहे हैं तो ये वर्ब है. सेकंड में है देयर वॉज अ सिंगल होप एक ही आशा ऐसी उम्मीद है वॉज अ सिंगल होप. अब यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आ गया हेल्प फ्रॉम गॉड. तो यहाँ ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आने की वजह से यहाँ पर ये नाउन है. नाउ द क्वेश्चन अबाउट इट इज वॉट टाइप ऑफ वर्ड इज होप इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. राइट वर्ब और नाउन अगेंस्ट द सेंटेंसेज फॉर द अंडरलाइन वर्ब. बेटा यहाँ पर होप का यूज़ कहीं पर नाउन के फॉर्म में है और कहीं पर वर्ब के फॉर्म में है. आपको ये देखना है कि कहाँ पर ये वर्ब है और कहाँ ये नाउन है. तो फर्स्ट सेंटेंस है आई स्टिल हैव सम होप दैट I can get to work on time. तो यहाँ पर I still have यहाँ पर verb के लिए आ गया some hope या object के place पर आ गया that connector आ गया next sentence के लिए. तो यहाँ पर यह काम कर रहा है noun का. I am still hoping यहाँ पर present आपका simple present जो आपका present continuous tense है तो present continuous tense में ये main verb की जगह पर hoping आ रहा है. देखिए hoping तो यहाँ पर ये क्या है वर्ब. आई एम स्टिल होपिंग दैट ऑल विल टर्न आउट वेल. लेंचो नेवर गेव अप. गेव अप गेव तो आपका हो गया यहाँ पर वर्ब. तो अप होप तो यहाँ पर ये नाउन के लिए ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यानी कि नाउन. आर चिल्ड्रन आर ग्रेटेस्ट होप फॉर द फ्यूचर. तो यहाँ पे देखिए बेटा ये यहाँ पर एक उम्मीद लगाई जा रही है आर हमारा. अब यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब आ चुका है ए आर ई आर जो है आर ग्रेटेस्ट होप फॉर द फ्यूचर या नाउन फॉर्म में लिया गया है. आई होप एवरीवन लाइक्स दिस एक्सरसाइज. तो देखिए आई होप ये मेन वर्ब के लिए आ गया तो मेन वर्ब पे आने पे ये वर्ब का काम कर रहा है. नाउ आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. बेटा अच्छे से अपनी नोटबुक में करिए चैप्टर को एक बार ज़रूर गो थ्रू करिए एक बार उसे रीड करिए
कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.